शहबाज शरीफ का फैटफ के ऐलान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट लिस्ट की तरफ से पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतलका टीम को मुबारक हो, आप सबकी काविशें रंग लाई हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी कर वजारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहता हूं। बुनियादी सेल में शामिल फौजी, सिविल क्यादत और टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। ये क्रेडिट इन्हें जाता है जो मुसलसल इस कौमी काविश के लिए काम कर रहे हैं। फैटफ का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ है। इंशाल्लाह ऐसी मजीद खुशखबरियां आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुकद्दर बनेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि व्हाइट लिस्ट में वापसी से इक़्तिसादी सूरतेहाल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अपडेट करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैटफ के ऐलान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतलका टीम को मुबारक हो, आप सबकी काविशें रंग लाई हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर वजारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहता हूं। बुनियादी स्तर में शामिल फौजी, सिविल क्यादत और टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। ये क्रेडिट इन्हें जाता है जो मुसलसल इस कौमी काविश के लिए काम कर रहे थे। फैटफ का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ है। इंशाल्लाह ऐसी मजीद खुशखबरियां आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुकद्दर बनेंगी।